हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके इस इंफॉर्मेशनल प्लेटफॉर्म जहां हम आप सभी तक भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी से आए हुए असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर से रिलेटेड जो भी रिक्रूटमेंट निकल कर आता है उसका इन्फॉर्मेशन हम आप लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करते रहते हैं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं भारतीय समुद्रीय विश्वविद्यालय, जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। यहाँ से टीचिंग पोजीशन पर रिक्रूटमेंट निकल कर आया हुआ है, जिसके ऊपर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ कौन कौन से डिपार्टमेंट से रिक्रूटमेंट मांगे जा रहे हैं, अप्लीकेशन फ़ीस और फॉर्म को अप्लाई करने के लिए जो क्वालिफिकेशन है, इन सभी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर जितनी भी सीटें निकल कर आई हुई हैं सभी परमानेंट सीट पर रिक्रूटमेंट मांगा जा रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस पोस्ट है जिसके लिए आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम सबसे पहले यहाँ पर भारतीय समुद्रीय विश्वविद्यालय से संबंधित थोड़ा सा बैकग्राउंड यहाँ पर हम देखेंगे। ये जो यूनिवर्सिटी है वो भारत की एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है जो संबंधित है ऐसे विषयों की श्रृंखला से जिसमें समुद्र विज्ञान से संबंधित विषयों पर एजुकेशन प्रोवाइड कराया जाता है। साथ ही साथ जो समुद्री विधि है यानी इसका जो कानून है, इसका जो इतिहास है और व्यवहारिक विषय जैसे समुद्र की खोज, समुद्र का बचाव कैसे करना, खतरनाक जो माल परिवहन है, ये सभी इसके अंतर्गत शामिल रहते हैं। यहाँ पर इसी से संबंधित एजुकेशन प्रोवाइड कराए जाते हैं। इस यूनिवर्सिटी की स्थापना 14 नवंबर 2008 को किया गया था भारतीय समुद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2008 के द्वारा। यहाँ पर नोटिफिकेशन 6 जून 2024 को रिलीज़ किया गया था और यहाँ पर आप लोगों को इनवाइट किया गया है। टीचिंग पोजीशन पर भारत का कोई भी नागरिक फॉर्म अप्लाई कर सकता है और यहाँ जितने भी पोस्ट हैं इसमें इंक्लूडेड पोस्ट है। बैकलॉग की जो पिछले सीजन में जिसको फिलअप नहीं किया जा सका था वो भी इसमें इंक्लूड है। तो फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आप सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन इनके ऑफिशियल वेबसाइट www.imu.edu.in से डाउनलोड कर सकते हैं और इसी वेबसाइट पर आप लोगों को फॉर्म फिलअप करने का भी लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर जो पोस्ट निकल कर आया हुआ है उसमें प्रोफेसर का पोस्ट है जिसमें मैरीन इंजीनियरिंग के पोस्ट पर रिक्रूटमेंट निकल कर आया हुआ है। टोटल 5 सीटें रखी गई हैं। वहीं प्रोफेसर के लिए इकोनॉमिक्स और फाइनेंस एंड अकाउंटिंग के लिए एक पोस्ट पर रिक्रूटमेंट मांगा जा रहा है। प्रोफेसर के लिए ही यहाँ पर लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, पोर्ट एंड शिपिंग मैनेजमेंट के लिए एक पोस्ट पर रिक्रूटमेंट मांगा जा रहा है। वहीं प्रोफेसर के पोस्ट पर ही मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए एक पोस्ट पर रिक्रूटमेंट निकल कर आया हुआ है। सैलरी जो यहां पर प्रोफेसर के लिए रखी गई है एकेडमिक पे लेवल 14 का है, 1,44,200 रुपये से यहां आपकी एंट्री सैलरी स्टार्ट कर दी जाएगी। वहीं अगर आप एसोसिएट प्रोफेसर के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर ओसेन इंजीनियरिंग के लिए एक पोस्ट पर रिक्रूटमेंट निकल कर आया हुआ है। वहीं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए 2 सीटें हैं और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए टोटल 4 सीटें हैं। यहाँ पर जो एसोसिएट प्रोफेसर की सैलरी है वो एकेडमिक पे लेवल 13A की रखी गई है, 1,31,400 रुपये से एंट्री सैलरी यहाँ पर स्टार्ट कर दी जाएगी। टोटल अब सीट जो है प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर का वो 15 है। 15 सीटों पर आपको फॉर्म अप्लाई करने का यहाँ मौका दिया गया है। अगर हम टोटल जो प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर की सैलरी है एनुअल अप्रॉक्स जोड़ा जाए तो यहाँ पर प्रोफेसर के लिए 38 लाख रुपए की का पैकेज है और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 35 लाख पर ईयर्स का पैकेज यहाँ पर रखा गया है। यहाँ पर जो लोग भी फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 12 जून से इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिया गया था और 3 जुलाई तक आपको फॉर्म फिलअप करने का मौका दिया जाएगा। रिसीविंग का लास्ट डेट है यहाँ पर वो 9 जुलाई का डेट रखा गया है और यहाँ पर जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनको प्रोत्साहन का मौका दिया गया है। उनको यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करने के लिए फर्स्टली इनवाइट किया गया है। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं इनके ऑफिशियल वेबसाइट से। तो इस वीडियो में इतना ही। इस तरीके के और भी इन्फॉर्मेशन हम आप लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करते रहेंगे। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।